आज की वीडियो में बात करेंगे हम एमएक्स प्लेयर के बारे में कि किस तरीके से आप एक एमएक्स प्लेयर के जरिए दोस्तों फाइल्स सेंड कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से कि आप जेंडर या सेरेट्स करते हैं तो उससे भी फास्ट आप इसके ज़रिए कर सकते हैं दोस्तों। तो ये फीचर्स बहुत से लोगों को यानी कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है, तो इसी लिए ये नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें दोस्तों, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और पास के इस घंटी वाले बटन को भी जल्दी से प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपने अपने एमएक्स प्लेयर को इस तरीके से ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक जिस तरीके से कॉर्नर पर थ्री डैश दिखाई देंगे, इन थ्री डैश पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल ट्रांसफ़र, जिस तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इस पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक जिस तरीके से आप सेरेट यूज करते हैं तो इसी तरीके से आपने रिसीव करना है, तो रिसीव के लिए नीचे की ओर स्लाइड कर देना है, और सेंड करना है तो ऊपर की ओर स्लाइड कर देना है। एज मुझे यहाँ पर एक दूसरे मोबाइल से रिसीव करना है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरीके से ये काम कर रहा है कि एक सेरेट काम करता है। तो यहाँ पर आपने ये लोकेशन सर्विस और जो भी कुछ मांग रहा है आपने यहाँ पर एलो कर देना है दोस्तों। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों अपना। तो यहाँ से दोस्तों लोकेशन सर्विस मैंने यहाँ से जो कि ओपन कर दिए दोस्तों। अभी यहाँ से हमने इनेबल ब्लूटूथ यानी कि ब्लूटूथ को भी ओपन कर देना है दोस्तों, और फिर उसके बाद हॉटस्पॉट भी ओपन कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सो क्यूआर कोड, यहाँ पर क्यूआर कोड आप उस मोबाइल का स्कैन कर लेंगे दोस्तों जिससे आपने फाइल जो कि रिसीव करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और फाइल आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोस्तों, और वो भी सेरेट या जेंडर जो कि जेंडर से भी फास्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, और पास की घंटी वाले बटन को भी ज़रूर से प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच माई वीडियो।